तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स पे आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों मैंने आपके लिए आरडी कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसकी मदद से हम देखने वाले हैं कि मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, और भी कई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों आरडी का फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट्स, और इसे हम करते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर समझो आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है और अगले 6 महीने तक का टाइम है आपके पास, आपको रिसर्च करके बहुत ही अच्छे से आपका जो भी फीचर्स आपको चाहिए स्मार्टफोन में उसको आपको देखकर खरीदना है, और दोस्तों आप इसके लिए एक आरडी ओपन कर सकते हो यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स ओपन कर सकते हो, और महीने का 2000 रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो अगले 6 महीने तक के लिए रिकरिंग डिपॉजिट्स में, तो दोस्तों आपका टोटल डिपॉजिट्स बहुत ही आसानी से हो जाएगा 12000 रुपए, और दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अगले 6 महीने के अंदर ही अंदर 10000 से लेकर 12000 रुपए तक का अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक गोल कि हमें स्मार्टफोन खरीदना है। दूसरा गोल दोस्तों ये हो सकता है कि अगर समझो अगले साल के लिए आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, जो कि हो सकता है 30000 से लेकर 35000 रुपए तक का है, लेकिन हमेशा से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, जब भी आपको ये इकट्ठा पैसा देना पड़ा है एज अ लमसम अमाउंट, तो दोस्तों आप एक साल पहले ही आरडी ओपन कर सकते हो, यानी कि अगले साल के लिए आपका जो प्रीमियम जाएगा उसको आप आज से ही सेविंग कर सकते हो एक रिकरिंग डिपॉजिट को ओपन करके। तो दोस्तों 3000 का अगर आप एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हो अगले एक साल तक के लिए, तो 12 महीने में दोस्तों आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 36000 रुपए, और दोस्तों इस 36000 रुपए पे भी आपको मंथली इंटरेस्ट मिलते जाएगा, तो वो तो आपका बोनस अमाउंट हो गया दोस्तों। और इस तरीके से आपको जब भी आप एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हो एक पर्टिकुलर गोल को अटैच करना चाहिए, या फिर अगर आपका एक गोल है तो उसके लिए आप एक आरडी ओपन कर सकते हो बहुत ही आसानी से आपके सेविंग्स अकाउंट बैंक में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में भी। दोस्तों अगर हम मिनिमम टेन्योर की बात करें तो कम से कम आपका जो आरडी होना चाहिए वो 6 महीने तक का होना चाहिए, और जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो 10 साल तक के लिए है। इसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स पे, बहुत ही आसानी से आपको 4% से लेकर 6% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल सकता है दोस्तों जब भी आप आरडी को ओपन करते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिकरिंग डिपॉजिट्स में आप हर महीने डिपॉजिट करते जाते हो और आपका जो पैसा है वो सेव होते जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब आपको आपका गोल अचीव करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपके लिए न्यू आरडी कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे वो कैसे काम करता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आरडी कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग, FINCALCB। तो दोस्तों फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे finkelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर्स का लिंक है, तो आपको इस सेक्शन में आना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों कई सारे कैलकुलेटर जो कि मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन, SIP, PPF, HRA कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं दोस्तों जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसमें से ये जो आरडी कैलकुलेटर है हम ये वाला कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो इस कैलकुलेटर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो में आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आरडी कैलकुलेटर है इसको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालकर और फिर इंटरेस्ट रेट पर एनम जो आपको मिल सकता है वो डालकर और फिर टेन्योर इन ईयर्स या फिर मंथ्स भी आप डाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट आपको कितना मिलेगा एज अ बोनस और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना आपको मिल जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यू है जैसे कि आपको दिख रहा है 2000 रुपीज का अगर आप मंथली आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करते हो और आपको जो इंटरेस्ट रेट मिला है वो है 4.5% पर एनम का और एक साल का टेन्योर है तो आपका टोटल डिपॉजिट होता है 24000 रुपए, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और आपका 2000 रुपए का मंथली डिपॉजिट है। इसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 591 होता है दोस्तों। तो ये भी हम समझेंगे कि कैसे ये 591 रुपीज का अमाउंट आपका होता है। इसके अलावा जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा आपका टोटल डिपॉजिट
डिपॉजिट्स प्लस टोटल इंटरेस्ट। और दोस्तों इस हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो होता है 24,591। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपना अमाउंट डाल के चेक कर सकते हो। समझो अगर आप 3,000 रुपए का आरडी अमाउंट जो है वो डालते हो यहाँ पे, और फिर 4.5% के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो टोटल डिपॉजिट जो है वो आपका अपडेट हो गया है, 36,000 हो गया है। 887 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट 36,887 हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट 5% मिल रहा है तो आप 5% यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको एक साल के जगह 6 महीने करने हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे 0 कीजिए और फिर यहाँ पे मंथ्स जो है उसको इंक्रीज कीजिए। तो यहाँ पे हम 6 मंथ्स का भी आरडी जो है उसका टोटल इंटरेस्ट हमको कितना मिल सकता है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो 3,000 के आरडी पे 5% इंटरेस्ट रेट 6 मंथ्स के लिए आपका 18,000 टोटल डिपॉजिट्स होता है, 263 इंटरेस्ट अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट 18,263। और दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इस आरडी कैलकुलेटर को यूज करके आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हो और आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट अमाउंट भी मिल सकता है एज अ बोनस अमाउंट। अब दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। जहां तक आरडी का सवाल है तो आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट इज वन ऑफ द पॉपुलर सेविंग ऑप्शंस इन इंडिया दैट विल हेल्प यू टू एक्युमुलेट सम प्री डिफाइंड अमाउंट विथ दी हेल्प ऑफ रेगुलर सेविंग्स इन रिकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों आरडी जो है आपको मदद करेगा आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, और इसी के वजह से आपको आरडी ओपन करना चाहिए। और इसमें जो भी इंटरेस्ट अमाउंट्स आपको मिलते हैं वो गारंटीड इंटरेस्ट अमाउंट होता है दोस्तों, इसमें कोई भी ऊपर नीचे होने की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे कि स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होता है, ऐसा कोई भी रिस्क आपको रिकरिंग डिपॉजिट्स में नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे मैंने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट्स है उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो भी चीज हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में। इसके अलावा आपके क्या गोल्स होने चाहिए जब आप आरडी को ओपन करते हो, आरडी के फीचर्स क्या हैं, और भी कई सारी डिटेल्स दोस्तों आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इस आर्टिकल में। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक एंड्रॉयड ऐप जो कि फिनकेल्सी ऐप है वो भी बनाया हुआ है, जो कि आपको मदद करेगा आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है उसमें भी आपको ये ऐप मदद करेगा दोस्तों। इस ऐप का भी लिंक मैंने इसी आर्टिकल में दिया हुआ है, तो जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फिनकेल्सी, जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया एक न्यू विंडो में प्ले स्टोर का लिंक ओपन हो जाएगा जो कि है इनकम टैक्स कैलकुलेटर फिनकेल्सी। तो दोस्तों ये मोबाइल ऐप मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और भी कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं इस ऐप में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इस ऐप को भी डाउनलोड करके देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। अब दोस्तों हम ये चेक करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे वो कैसे हुआ है, ताकि दोस्तों आपको समझ में आए कि जो आपका आरडी है उसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम अपनी एक्सेल कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। ये वाला भी लिंक मैंने टॉप ऑफ द आर्टिकल में प्रोवाइड किया हुआ है, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे न्यू विंडो में रिकरिंग डिपॉजिट का एक्सेल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा दोस्तों। और इस एक्सेल कैलकुलेटर को आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फाइल सेक्शन में आना है, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे ये एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा। तो हम ये चेक करते हैं कि आपके 2000 रुपए का आरडी जो अमाउंट है, जैसे कि आप देख सकते हो आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है, और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट दोस्तों मैंने कैलकुलेट किया है क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होता है आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो 2000 रुपए का आरडी अमाउंट आप सबसे पहले महीने में आपका डिपॉजिट होता है उस पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिला है, फिर दूसरे महीने में और 2000 रुपए जमा हो जाते हैं आपके, तो टोटल अमाउंट हो जाता है 4000 रुपए, और फिर उस पे आपको 15 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद तीसरे महीने में दोस्तों और 2000 रुपए एड होते हैं, तो आपका 6000 रुपए का टोटल अमाउंट हो जाता है और उस पे आपको 22.5 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। अब दोस्तों 3 महीने होने के बाद आपका कंपाउंडिंग होता है यहाँ पे, यानी कि आपका जो भी इंटरेस्ट आपने गेन किया है अभी तक वो आपका पूरा इंटरेस्ट आपके अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बैलेंस जो है वो अपडेट हो गया है। तो ये तीनों मंथ्स का जो इंटरेस्ट है उसका टोटल होता है 45 रुपीज, जैसे कि आप यहाँ पे सम पे देख रहे हो, और ये 45 रुपीज आपके 6000 के बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा 6045। अब दोस्तों अगले महीने में जो 2000 रुपए ऐड होंगे और फिर ये 45 रुपीज भी ऐड होगा, और इसीलिए आपका जो करंट
बैलेंस है वो हो गया 8,045 रुपीज। और दोस्तों इस तरीके से कंपाउंडिंग होता है, हर तीन महीने में कंपाउंडिंग होता है, यानी कि हर तीन महीने का जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा और उस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा अगले महीनों से। तो दोस्तों अगर हम मंथली इंटरेस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे ये नंबर हमें कैसे मिला है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी समझाते आ रहा हूँ। तो आपका जो मंथली इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है कि मंथली इंटरेस्ट इक्वल टू मंथली इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों यही फॉर्मूला अगर हम इन नंबर्स में लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन होगा। तो ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। सबसे पहले हमारा जो इंटरेस्ट है ये साल का इंटरेस्ट रेट है 4.5% का, हमको उसको मंथली इंटरेस्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और इसके हिसाब से हमको एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 0.375, यही चीज मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ये मंथली इंटरेस्ट रेट है आपका। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, तो सबसे पहले महीने में हमारा जो अमाउंट है वो 2000 रुपीज का है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये 2000 रुपीज डाल दिया हमने और फिर डिवाइड करेंगे हम 100 से हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 7.5 रुपीज का आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगले महीने भी आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो हमारा मंथली इंटरेस्ट है 0.375% जो हमने यहाँ से लिया हुआ है, हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से जो कि 4000 रुपए है अब, तो दूसरे महीने में आपका 4000 रुपए होगा क्योंकि आपने 2000 रुपए पहले और दूसरे महीने में जमा किए हैं, और फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों यहाँ पे 15 रुपए का इंटरेस्ट हो गया और ये आपको 15 रुपए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब दोस्तों तीसरे महीने में क्या होगा कि सेम चीज हम करेंगे, 0.375 जो कि आपका मंथली इंटरेस्ट है उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6000 रुपए से, क्योंकि तीसरे महीने में भी आपने 2000 रुपए ऐड किए हुए हैं, और फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों यहाँ पे 22.5 रुपीज का आपका टोटल इंटरेस्ट होता है यहाँ पे तीसरे महीने में। अब दोस्तों तीसरे महीने के बाद क्या होगा कि ये जो तीनों नंबर्स हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ में इनको ऐड कर दिया जाएगा, जिसका सम है 45 और ये 45 रुपीज आपके 6000 में ऐड कर दिए जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग, और इसके हिसाब से आपका बैलेंस हो जाता है 6045 रुपीज। अब दोस्तों चौथे महीने में क्या होगा कि ये जो 2000 रुपए आप जमा करोगे चौथे महीने में वो आपके 6045 रुपीज का जो बैलेंस है उसमें ऐड होगा। तो आपका बैलेंस है 6045 रुपीज इसमें, अब आप 2000 रुपए इसमें जमा कर रहे हो तो आपका टोटल बैलेंस हो रहा है 8045 और इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो आपको 45 रुपए मिले हैं उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इसको भी अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हम मंथली इंटरेस्ट रेट लेंगे जो कि है 0.375% का, मल्टीप्लाई करेंगे हम अमाउंट से जो कि है 8045, तो यहाँ पे 8045 डाल दिया हमने, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 और इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 30.16875 और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 30.16875। और दोस्तों इस तरीके से बाकी के महीने में भी जो भी यहाँ पे बैलेंस होता है उस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा और हर तीन महीने में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलते जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो, एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो मैंने समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को लेकर, तो दोस्तों ये भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। और एक वीडियो में हमने देखा है कि आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे थोड़ा सा प्री पेमेंट्स करके आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है आप उसको बचा सकते हो, तो ये भी सारी चीजें हमने देखी है एक और वीडियो में। इसके अलावा हमने कार लोन और बाइक लोन के भी वीडियोस देखे हुए हैं अलग से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा निवेश करते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में, तो उसमें आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे ये भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से।
अलग अलग 10 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा जब आप म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो तो आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा म्यूचुअल फंड्स बेचने के बाद, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी चीज हमने देखी है एक अलग वीडियो में। तो दोस्तों ये सारे वीडियोज आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप आरडी का इंटरेस्ट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से आप इसको ओपन भी कर सकते हो अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है, या फिर किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके ऑफलाइन जो है रिकरिंग डिपॉजिट्स भी ओपन कर सकते हो। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी आरडी को ओपन किया है या फिर फ्यूचर में करना चाहते हो, और अगर आपने ओपन किया है तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।